हमारे कई भाई बहन आते हैं जो हम मेहनत मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, लेकिन कई बार भोजन करने में उनकी आधी मजदूरी चली जाती है। अब कहीं बाहर से शहर में काम करने आए और सामान्यतः होटल पे भोजन करने गए, हर एक बना नहीं पाता जो प्रवासी मजदूर है, तो पता चला कि 50 रुपया 40 रुपया उसी में खर्चा हो गया। उनकी जो खून पसीने की कमाई भोजन में ही चली जाती है। इसलिए हमारे मन में यह विचार आया कि ऐसे हमारे सभी भाई बहन जो बाहर से यहां मेहनत मजदूरी करने आए हैं या अलग अलग कारणों से भोपाल में आते हैं, इलाज के लिए आए हैं, दूसरे और किसी कारण से आए हैं, उनको सस्ता भोजन मिल सके, इसलिए हमने दीनदयाल रसोई योजना प्रारंभ की थी। अभी तक दीनदयाल रसोई योजना चलित नहीं होती थी। एक स्थान पर रसोई जहां लोगों को 10 रुपये में भोजन मिलता था। मुझे लगा कि ये 10 रुपया भी ज्यादा है। उससे दो चीजें हमने सोची। एक, अब दीनदयाल रसोई जहां जहां है, अभी लगभग 100 शहरों में दीनदयाल रसोई योजना हमारी चल रही है, तो दीनदयाल रसोई जहां जहां है वहां 5 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाएगा, ताकि बाहर से आने वाले भाई बहनों को कम दामों पर भोजन मिल जाए। अब वो मजदूरी करने वाली भी हो सकते हैं, वो अन्य कामों से जो हमारे गरीब भाई बहन भोपाल आते हैं या नगरों में जाते हैं, जिला मुख्यालयों पे कई बार छोटे छोटे काम करवाने आना पड़ता है, तो उनको दीनदयाल रसोई के अंतर्गत भोजन दिया जाएगा 5 रुपये में। लेकिन एक बात और आई कि भोपाल जैसे शहर बहुत बड़े हैं, हम मजदूरी कर रहे हैं लाल घाटी पे और भोजन करने आए हैं न्यू मार्केट, तो आने जाने में समय और पैसा खर्च हो जाएगा। इसलिए मन में यह विचार आया कि रसोई तक भोजन करने क्यों जाए, अरे जहां गरीब है वहीं रसोई ले जाओ, तो उनको आना जाना ना पड़े। और इसलिए चलित रसोई है, गाड़ी में पूरा भोजन रहेगा, ताजा भोजन, और वो भोजन लेके उन स्थानों पर जाएंगे जहां भोजन करने वाले भाई बहन मजदूर गरीब वो खड़े रहते हैं, काम करने के लिए आते हैं, या अस्पताल जैसे केंद्र हमीदी अस्पताल में इलाज कराने आए, गरीब को भोजन करना है, परिजन भर्ती है, तो ये रसोई घूमती रहेगी जहां भोजन करने वाले भाई और बहन रहेंगे, वहां सीधे रसोई पहुंचेगी और उनको वहां भोजन करवाएगी 5 रुपये में, ताकि हमारे भाई और बहनों को भोजन करने दूर ना आना पड़े। भविष्य में इसका और भी हम विस्तार करेंगे। दीनदयाल जी कहते थे, दरिद्र ही तुम्हारा नारायण है, गरीब ही तुम्हारा भगवान है, और उसकी सेवा भगवान की पूजा है। ये मेरे लिए मंत्र है, दरिद्र ही नारायण है और उसकी सेवा भगवान की पूजा है। तो ये दरिद्र नारायण की सेवा के लिए दीनदयाल चलित रसोई आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है भोपाल नगर निगम, बाकी सभी नगर निगम, अन्य सारे शहर जहां ये रसोई चलेगी, चलित रसोई घूमती रहेगी, और जहां गरीब जिनको भोजन की जरूरत है वहां पहुंच के भोजन कराएगी, इससे हमारे दरिद्र और गरीब भाई बहनों को, प्रवासी मजदूर भाई बहनों को, छोटे छोटे कामों के लिए शहरों में आने वाले भाई बहनों को बहुत लाभ मिलेगा, सस्ता और गुणवत्तापूर्ण भोजन उनको मिल सकेगा, और उनको भरपेट भोजन मिल जाए तो अपनी आत्मा भी तृप्त हो जाए। इससे बड़ा कोई पुण्य होता नहीं है। और इसलिए मैं नगरीय विकास विभाग को, भूपेंद्र जी, ओपी एस भदौरिया, भरत जी, नीरज जी, पूरी टीम को,
मैं बहुत बधाई देता हूँ। नगर निगम के मेयर और पूरी टीम का भी आभारी हूँ। इसका ठीक से आप संचालन करेंगे ये मेरा विश्वास है। और सभी मेरे भाई और बहनों को मैं ये दीनदयाल चरित्र रसोई समर्पित करता हूँ।